गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का ट्रिकी डोज पे। दोस्तों, आज तारीख है 20 जून 2020 और आज हम कवर करेंगे 18 से 20 जून तक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं अब आज के राउंड को। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे आज के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। आज के दिन मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। हर साल 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो हर मिनट 20 लोग अपना सब कुछ छोड़ गए किसी के धमकाने से, या फिर कोई टेरर अटैक के डर से, या फिर वॉर के कारण अपना सब कुछ छोड़ के एस्केप कर जाते हैं अपनी ज़मीन को, अपने घर को, और कहीं दूर जाके बसते हैं। इसी तरीके से हम बात करें रेफ्यूजी की डेफिनेशन की, तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रेफ्यूजी उन लोगों को कहा जाता है जो अपना घर या देश छोड़कर कहीं और जाके बसते हैं, क्योंकि उन्हें रेसिज्म के कारण, रिलीजन के कारण, नेशनलिटी के कारण, या फिर मेंबरशिप इन पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, या फिर पॉलिटिकल ओपिनियन के कारण उनको डरा धमका के, उनको हरास करके, वहाँ से परेशान करके निकाल दिया जाता है और वो मजबूर हो जाते हैं वहाँ से डिस्प्लेस होने के लिए। एक बार जानते हैं इसके बारे में। और वर्ल्ड रेफ्यूजी डे की हिस्ट्री की बात करें तो हर साल 20 जून को मनाया जाता है और सबसे पहले इसके लिए बात की गई थी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में 4 दिसंबर 2000 को बात की गई थी। और फर्स्ट जो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया था वो 20 जून 2001 को मनाया गया था। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाने का मेन उद्देश्य है कि जो लोग अपना घर छोड़ के, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के, वॉर के कारण या किसी भी तरीके के भय के कारण अपना घर छोड़ के जा रहे हैं, उन सभी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को बताने के लिए, तथा अगर वो रेफ्यूजी उसी कंट्री में रुके, उसी जगह पर रुके, होमलैंड्स पर रुके, तो वो कितना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं पहली न्यूज़ के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा एक नेशनल रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया गया है। क्लाइमेट चेंज की स्थिति को जाना है और उनके बारे में प्रोजेक्ट किया है कि साल 2100 में क्या स्थिति होगी इंडिया की क्लाइमेट से रिलेटेड। अगर हम बात करें, इसके टाइटल दिया गया असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। अगर बात करें टेम्परेचर राइज की, तो टेम्परेचर राइज 1901 से 2018 तक की बात करें तो एवरेज टेम्परेचर राइज 0.7 डिग्री सेल्सियस हुआ है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये साल 2100 तक ये 4.4 डिग्री सेल्सियस होगा। रेनफॉल में चेंज की बात करें तो 6% का डिक्लाइन हुआ है 1951 से 2015 के बीच में। और फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्राई स्पेल्स यानी कि सूखा पड़ने की जो स्थिति बन रही है वो 27% हायर हो गई है 1981 से 2011 के बीच में, अगर कंपेयर करें 1951 से 2080 तक की स्थिति को। तो अगर हम बात करें सी लेवल राइज की, तो सी लेवल राइज हो रहा है 1.06 से लगा के 1.75 mm तक। और अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करें तो ये 300 mm तक हो जाएगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा आने वाले सालों में। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, जैसा कि बताया जा रहा है। ये पिछले दो डिकेड्स में ये वैसे ही बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिले हैं, बार बार साइक्लोन्स आ रहे हैं और उनकी स्थिति और भी ख़राब होने वाली है, आप ये नोटिस कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस की, तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का 75वां प्रेसिडेंट चुना गया है बोल्केन बोजुअर जी को। अगर इनकी बात करें तो ये टर्किश डिप्लोमेट है और इनको निर्विरोध प्रेसिडेंट चुना गया 75वें सेशन के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के। अगर इनकी बात करें तो 178 देशों ने इनके समर्थन में वोट किया और इनसे पहले तिजनी मोहम्मद बंदे जी थे जिनको ये रिप्लेस करके इनकी जगह जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। अगर हम जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के टर्म की बात करें तो ये एक साल के लिए कार्य करते हैं और हर साल यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये खागरिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार के खागरिया डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया गया है। इसमें बात करें तो 116 डिस्ट्रिक्ट ने पार्टिसिपेट किया, 6 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। ये राज्यों ने पार्टिसिपेट किया और 12 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करके जो माइग्रेंट वर्कर है और जो ग्रामीण लोग हैं इनको रोजगार दिलाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको स्टार मार्क करके रख दीजिएगा। रज प्रभा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा में। अगर ये रज पर्व की बात करें तो नेचर से जुड़ा हुआ फेस्टिवल है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और एक ये कल्चरल फेस्टिवल है तो दोनों ही तरीके से ये महत्व रखता है, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसको 3 दिन में मनाया जाता है और बहुत ही यूनिक फेस्टिवल है। इसको जो मदर अर्थ है या फिर जो धरती माँ या अपन भूदेवी बोलते हैं, इनके विमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है इन 3 दिनों में। बात करें तो इनका मानना है कि जो हमारी मदर अर्थ है या भूदेवी है वो मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत जाती है, और 3 दिनों के लिए ये मेंस्ट्रुएट करती है। उसके बाद में चौथे दिन को प्योरिफिकेशन बाथ के रूप में मनाया जाता है। इन 3 दिनों को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, जैसे कि पहली रज बोला जाता है जो फर्स्ट डे होता है उसको, और जो सेकंड डे होता है उसको मिथुन संक्रांति बोला जाता है, और जो थर्ड डे होता है उसको बसी रज बोला जाता है, फोर्थ डे को प्योरिफिकेशन बाथ होता है इनका। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये रज पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दिव्यांगजनों के लिए एक कंपोजिट रीजनल सेंटर खोला गया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, रिहैबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए सोर्सेज जनरेट किए जाएंगे। और बात करें तो ये इनॉग्रेट किया गया है झारखंड राज्य के रांची में। अगर इन सेंटर्स की बात करें तो ये 2 मिनिस्ट्री के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। पहले जो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत जी के द्वारा, और दूसरी बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा जी, इन दोनों के द्वारा मिलकर यह लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए कर्म भूमि नाम से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल में सभी आईटी कंपनीज को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से जोड़ा जाएगा, इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, और ये एक मीडियम की तरह काम करेगा आईटी प्रोफेशनल्स और आईटी कंपनीज के बीच में। ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भी आईटी प्रोफेशनल्स जॉबलेस हुए हैं या फिर जो माइग्रेटेड थे और बाहर से वापस घर पे लौटे हैं, उन सभी के लिए ये लॉन्च किया गया है। इसमें सारे आईटी प्रोफेशनल्स को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद में उनको आईटी कंपनीज के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो ममता बनर्जी इनकी सीएम है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुहम्मद क्याली एबिल गाजवी ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन की वजह बताई जा रही है कि इनके ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और अपोजिशन ने दबाव बनाया, इसलिए इनको रिजाइन करना पड़ा। अगर हम बात करें तो इनके ऊपर नेशनल रेडियो फ्रिक्वेंसीज के असाइनमेंट के लिए क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे। बात करते हैं एक बार किर्गिस्तान के बारे में। किर्गिस्तान की बात करें तो ये देखिए, यहाँ पे किर्गिस्तान मौजूद है, और ये चाइना, और ये ऊपर कजाकिस्तान है, और ये नीचे तजाकिस्तान है इसके नीचे, और उसके नीचे ये पाकिस्तान आ गया, और यहाँ पे अफगानिस्तान ये रहा। और इसके ये देखिए, ये इनका नेशनल फ्लैग है। कैपिटल की बात करें तो बिश्केक है किर्गिस्तान की। प्रेसिडेंट की बात करें तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये नए प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर नए चुने गए, कुबाकबेक बोरोनोव, ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए, इनका नाम याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट की बात करें
तो सुरोन बे जीन बेक वो ये इनके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी की बात करें तो किर्गिस्तानी सोम चलती है इसकी करेंसी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों आईएमडी ने वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की रैंक जारी की है और इंडिया को 43rd रैंक मिली है। सिंगापुर ने टॉप किया है। अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की तरफ से एक रैंक जारी की जाती है हर साल, और इस साल इंडिया ने 43rd पोजीशन गेन किया, और पिछले साल भी 43rd पोजीशन ही थी इंडिया की। अगर बात करें तो इंडियन बिजनेस स्कूल ने मेंशन किया है कि जो इंडिया की लो रैंकिंग है उसका कारण है ये ट्रेडिशनल वीकनेस, जैसे कि एजुकेशन इनसफिशिएंट एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन में हम कम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके कारण, और जो हमारा पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके कारण ये हमारे देश में कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ने दिन ब दिन गिरती जा रही है। दोस्तों पहले अगर बात करें तो 2015 में ये 41 थी, जो कि गिरकर 45 हो गई। उसके बाद में 44 आई, पिछले साल 43rd थी, और इस साल भी हमने 43rd कायम रखी है। अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें तो सिंगापुर, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड और हांगकांग, क्रमशः ये दोस्तों इन कंट्रीज ने फर्स्ट से फिफ्थ रैंक हासिल की है। ये देखिए सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कुछ अपॉइंटमेंट से उनके बारे में चर्चा करेंगे। पीएम केयर फंड्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड ने अपॉइंट किया है दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंट्स का ग्रुप है सार्क एंड एसोसिएट्स। इनको 3 साल के लिए ऑडिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है पीएम केयर फंड का। अगर हम सार्क एंड एसोसिएट्स की बात करें तो इसको ऐड किया जा रहा है सुनील कुमार गुप्ता जी के द्वारा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज की बात करें तो जस्टिस डीके जैन यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके डीके जैन जी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल नियुक्त किया गया है। दोस्तों इनको लोकपाल नियुक्त किया गया था फरवरी 2019 में, और इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। अभी 1 साल के लिए इनको एक्सटेंशन मिला है, और 1 साल के लिए ये और कार्य करेंगे लोकपाल के रूप में बीसीसीआई के। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों क्विक न्यूज़ है, कुछ उनको डिस्कस करेंगे। क्विक न्यूज़ में सबसे पहले हम बात करें तो इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अगर दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियोस में बता रखा है कि कैसे इनके इलेक्शन होते हैं और कैसे चुना जाता है। दोस्तों टोटल 15 सीट होती है जिनमें से 5 सीट परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 सीट नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में इसके लिए इलेक्शन होते हैं। और परमानेंट मेंबर दोस्तों 5 देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिच ने इंडिया की रेटिंग्स को सबसे लो ग्रेड पे लाके रख दिया, और BBB- रेटिंग की है फिच ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर हम रेटिंग एजेंसी की बात करें तो इन्होंने सबसे जो लोएस्ट डाउनग्रेड रेटिंग होती है इन्वेस्टमेंट के लिए। और बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ की बात करें तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया खेलो इंडिया स्कीम के तहत। अगर हम इस खेलो इंडिया स्कीम के तहत इस प्रोग्राम की बात करें तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स फॉर एक्सीलेंस लॉन्च किए गए हैं, और इसमें जो सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स को तैयार किया जाएगा तथा उनको फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। अगली न्यूज़ की बात करें तो एक यूनिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है खादी और ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा। अगर बात करें तो पालघर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में उसके अंतर्गत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया, और जो नीरा और पालमगुड़ ये दो प्रोडक्ट होते हैं पाम ट्री के द्वारा निकाले जाते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। देखिए एक बार बात करते हैं तो ये दोस्तों नीरा की बात करें तो ये नीरा है और ये पाम गोड है।
अगर पाम गुड़ की बात करें तो ये पाम ट्री से निकाला जाता है और इसका गुड़ बनाया जाता है, और ये नीरा, ये भी पाम ट्री से बनाई गई एक एल्ड ड्रिंक होती है जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, कैंसर को प्रिवेंट करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करती है, आई हेल्थ में फ़ायदेमंद होती है, लिवर डिजीज़ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, बहुत सी चीज़ों में ये फ़ायदा करती है। तो इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिक स्कीम लॉन्च की गई है खादी ग्रामोद्योग कमेटी के द्वारा, और इस कमीशन के द्वारा सभी जो ग्रामोद्योग वर्कर है जो इसके लिए काम करते हैं नीरा और पाम गुड के लिए, उन सभी को जरूरी सामान दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ की बात करें तो इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाई गई गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस इन पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स। दोस्तों 16 देशों के 100 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और गुड गवर्नेंस के लिए इनको प्रैक्टिस दी गई और ट्रेनिंग दी गई। अगर बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक गवर्नेंस और पेंशन की बात करें तो जितेंद्र सिंह जी हैं, इनके द्वारा ये वर्कशॉप लॉन्च की गई और ये इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च की गई। तो इंटरनेशनली 16 देशों से बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स ने आगे ट्रेनिंग ली इसके लिए। दोस्तों अजरबैजान के ग्रैंड मास्टर है शखरियार मेमरियाव, उन्होंने अभी जो वर्ल्ड स्टार शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट चेस टूर्नामेंट था उन्होंने जीता है। और बात करें तो इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर थे वो सेकंड प्लेस पर रहे हैं। एशियन पैरालंपिक कमेटी ने ऐलान किया है कि जो फोर्थ एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स है वो बहरीन में कराए जाएंगे दिसंबर 2021 में। अगली न्यूज़ की बात करें तो मारुति सुजुकी इंडिया ने कोलैबोरेट किया है करूर वैश्य बैंक के साथ में मिलकर जो न्यू क्लाइंट्स को फाइनेंस प्लान प्रोवाइड करवाने के लिए। बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। रशिया में मॉस्को में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए 75th विक्ट्री परेड आयोजित करवाई जा रही है और इंडिया से भी ट्राई सर्विस कॉन्टिजेंट भेजा जाएगा और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा 750 मिलियन US डॉलर यानी कि 5714 करोड़ रुपए का लोन पास किया गया है कोविड-19 से लड़ने के लिए, तथा कोविड-19 से जो अफेक्टेड जो गरीब और जो ऐसे हाउस होल्ड्स हैं जिनके लिए बिल्कुल ही वल्नरेबल कंडीशन में है तो उनके लिए ये लोन पास किया गया है ताकि उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 31 कोल माइंस के ऑक्शन को लॉन्च किया गया है और इस ऑक्शन के अंतर्गत जो सारी कमर्शियल माइनिंग है उनका ऑक्शन किया जाएगा, और 18 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये ऑक्शन लॉन्च किया गया है। इसमें कई अनाउंसमेंट्स भी किए गए हैं और इनके द्वारा बताया गया है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसके अंतर्गत ये ऑक्शन लॉन्च किए गए हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अनाउंस किया गया टॉप 100 जो 2020 की टॉप 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स थी उनकी लिस्ट, और उसमें इंडिया के दो फर्म ने अपना नाम दर्ज करवाया, जेस्ट मनी और स्टेल एप्स, ये दो कंपनीज ने अपना नाम दर्ज करवाया। अगली न्यूज़ की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया की इकोनॉमी को फोरकास्ट किया गया और फिस्कल ईयर 2021 के लिए इन्होंने 4% की इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को बताया है। अगली न्यूज़ की बात करें तो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस फर्म के द्वारा पार्टनरशिप की गई है ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ में, और जो ड्रोन ऑनर्स है उनके लिए एक इंश्योरेंस पे एज यू फ्लाई नाम से इंश्योरेंस लॉन्च किया गया है जो कि भारत का पहला एक अनोखा इंश्योरेंस होगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी नाम से एक ग्रुप है जिसने प्रिंस अल्बर्ट सेकंड मोनाको फाउंडेशन अवार्ड को जीता है। ये ऑनर वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल ऑनर को माना जाता है जो कि नेचुरल फील्ड में काम करते हैं, प्लेनेट के लिए जो काम करते हैं उन सभी को ये अवार्ड दिया जाता है। 2020 के लिए हैदराबाद के डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को चुना गया है।
दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और अगर आपने अभी तक ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ट्रिकी डोज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।